जो है 5600 वर्ष पुराना है। यहाँ पर पांडव लोग आए थे, कामना से आता उसका सब कामना पूरा होता है। ये माता तमठा की विशेष कृपा, चातुर को माला इसने इसलिए इसका ये दुर्गा का अवतार है। स्वागत है दोस्तों आप लोग को सेल्फी बाय पर। तो मेरा नाम है मनोज प्रजापति। आप लोग सेल्फी बाय को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए कि हम आगे बढ़ते रहें। और इस टाइम हूँ संकटा माता मंदिर दर्शन करने के लिए आया हूँ। और इसी रास्ते से आप सिंधिया घाट भी जा सकते हैं, चौखम्मा भी जा सकते हैं। और काफ़ी संकटा माता मंदिर है, इसके बारे में हमें जानकारियाँ नहीं है, चलेंगे अंदर जानकारियाँ लेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों को जो पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है काफ़ी अच्छा बना हुआ है और हर गली में ऐसा बना हुआ है। ऐसे रास्ते से आप गंगा भी जा सकते हैं। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं संकटा मंदिर दर्शन करने के लिए। तो आप लोग हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। और ये है सिंधिया घाट जाने के लिए रास्ता और उसी के ठीक बगल में ये है संकटा जी का मंदिर। लेकिन चलेंगे अंदर और ये आपका सिंधिया घाट चला जाएगा और ये रास्ता आपका चौखम्मा चला जाएगा ये रास्ता। और इस साइड में हम मालापुर प्रसाद लेंगे जो कि चढ़ाया जाता है। और ये है संकटा माता का मंदिर, श्री श्री 108 माँ संकटा मंदिर। और इसी अंदर प्रवेश करेंगे और भैया के यहाँ माला फूल प्रसाद लेंगे जो कि संकटा माता जी को चढ़ाएंगे। ये है प्रसाद, यहाँ पर स्लीपर, ये हाथ धुला दीजिए। ले चलेंगे अंदर और ये है मंदिर, काफी अद्भुत यह मंदिर है। पहली बार हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। आप लोग सेल्फी बार किसी तरफ सपोर्ट करते रहिए। और यह बरगद का पेड़ है, काफी विशाल का है। यहाँ पर पंडित जी भी हैं। काफी अच्छा लग रहा है। संकट का विनायक और ये अंदर आने के लिए प्रवेश किया है अंदर संकटा माता मंदिर। काफी अच्छा विशाल का है, ये हवन कुंड है और इस वो पाठ पढ़ाया जा रहा है जो कि पंडित लोग हैं, ज्ञान का पाठ करते हैं। और ये अंदर चला जाएगा मंदिर संकटा माता मंदिर। ये आपका नमो संकटा कष्ट हरणी भवानी ये मंदिर है। यह संकटा माता मंदिर और इस साइड में भी देखेंगे कई भगवान विराजमान है। काफी अच्छा आप लोग को देखने को मिलेगा ये। और ये शिल्प कला है, काफी अच्छा लग रहा है, पहले का बना हुआ है ये। और चलेंगे अंदर संकटा माता मंदिर। यहाँ पर दीप भी जलाया गया और पुजारी जी भी हैं। और ये प्रसाद मिल गया, साइड में देखेंगे दीप जलाया गया और काफी शांति है। चलेंगे बाहर और इनके बारे में कुछ जानकारियां जो रहेंगी आप लोग को बताएंगे इस साक्ष्य निकास में बाहर निकलने के लिए। बरगद का पेड़ जो कि एक बार यहाँ से घूमेंगे, काफी विशाल का है। मैया
हर हर महादेव। और ये संकटा माता मंदिर है और यहाँ पर पंडित जी हैं जो कि पूछेंगे और जानकारियाँ भी देंगे जी। बताइए इसके बाद। ये मंदिर जो है 5600 वर्ष पुराना है जी। यहाँ पर पांडव लोग आए थे जी, पूजा किए थे जी, पूजा करके फिर बगल में आता वृषभेश्वर का मंदिर है इसके पीछे में जी। एक बार यह बार पास छोड़ के जाओगे तो अपना वृषभेश्वर का मंदिर है, वहाँ पूजा किए थे। वहाँ पूजा करने के बाद में फिर जो है सिद्धेश्वरी इधर पड़ी है, सिद्धेश्वरी में चंद्रेश्वर का मंदिर है, वहाँ पूजा किया था। उसके बाद में गए हैं तो महाभारत युद्ध जीते हैं। यहाँ पर जो भी व्यक्ति जिस भी कामना से आता है उसका सब कामना पूरा होता है। ये माता संस्था की विशेष कृपा है। और इसके भी पहले पुराना मंदिर है, ये महिषासुर मर्दिनी नाम सुना होगा तुमने, महिषासुर को मारा इसने, इसलिए इसका ये दुर्गा का अवतार है जी। ये संस्था मंदिर की महिमा है और ये इसका पूरा दास्तान है जी। बस जी, अपना नाम बता दीजिए। हैं, अपना नाम? मेरा नाम मद्रनारायण शर्मा है, मैं यहाँ पर पूजा पाठ करता हूँ, मेरा ज्योतिष का काम है जी जी। और मैं संकटा माता मंदिर का दर्शन किया और आप लोगों को भी मैं दर्शन कराएं, तो आप लोग हमें इसी तरफ सपोर्ट करते रहिएगा। और संकटा माता का मंदिर 6 बजे सुबह से लेके 1 बजे तक खुला रहता है, फिर 3 बजे से 8:30 बजे तक खुला रहता है। और दर्शन करना, प्रतिदिन आप लोग दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। और मैं जा रहा हूँ सिंधिया घाट पर इस टाइम, आप लोग इसी तरफ सेल्फी बॉय को सपोर्ट करते रहिएगा। और ये आपका रास्ता आया हुआ है संकटा माता मंदिर से सिंधिया घाट पर, ये जा सकते हैं, काफ़ी खड़ी सीढ़ी है। और यहाँ पर ढेर सारे लोग, बाहर के लोग भी आते हैं घूमने के लिए, काफ़ी बाहर के लोग आए हैं नहाने के लिए यहाँ पर। ये है नाव चल रहा है, ये है आपका सिंधिया घाट, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं और बाहर के लोग भी हैं और देश विदेश के लोग आते हैं। गंगा जी वाराणसी, और उस बार आपको कैमल दिख जाएगा, ये उस बार भी आप जा सकते हैं नाव से।